नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे छात्रों की आत्महत्याओं की घटनाएं चिंता का विषय है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, आगे बढ़ने की होड़ में जिंदगी कहीं पीछे छूटती जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। बहुत गंभीर मसला है, बहुत चिंताजनक मुद्दा है। युवाओं में जिस तरीके से आत्महत्या की दर बढ़ रही है, कोटा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर पिछले 5 सालों में 6 दर्जन करीबन, मतलब हम मान लें कि 50-60 युवा केवल इस वजह से आत्महत्या कर बैठे। कहीं सफलता नहीं मिली प्रतियोगी परीक्षाओं में, कहीं मानसिक अवसाद था। मुझे लगता है कि ये केवल जो 50-60 युवाओं ने आत्महत्या की है वहाँ तक सीमित नहीं है मामला। बहुत सारे और इस तरह की कुंठाएं उन युवाओं के बीच जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से वो मानसिक अवसाद का शिकार होकर एक अस्वस्थ व्यक्ति बनकर इस समाज में जी रहे हैं। प्रतियोगिता की जो होड़ है वो अच्छी भी होती है, स्वस्थ प्रतियोगिता भी होती है कि आपको किसी से बेहतर अंक लाने हैं, लेकिन क्या आपके भीतर उतने बेहतर अंक लाने की क्षमता है ये कौन तय करे? क्या सभी को एक ही तरीके से उस प्रतियोगिता में झोंक देना चाहिए कि वो मशीन की तरह बस एक सिस्टम में से निकलकर पास होकर आगे बढ़ते चले जाएं? ये हमारी दरअसल पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। कहीं इसका एक बड़ा कारण शिक्षा का व्यवसायीकरण तो नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है। दरअसल जो कोचिंग सेंटर है उनका लक्ष्य छात्रों को सफलता दिलाना नहीं है, वो तो छात्रों की सफलताओं को पब्लिसाइज करके, एडवर्टाइज करके केवल अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए उसको बुनाते हैं। सारी संस्थाएं ऐसी नहीं है, कुछ एक संस्थाएं हैं जो इसको लेकर गंभीर हैं, जैसे बिहार के आनंद कुमार का सुपर 30 का भी उदाहरण है, जहां पर वो 30 छात्रों को भर्ती करके और 30 को ही IIT में निकलवा लेने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, और वो ऐसी जगहों से छात्रों को उठा के लाते हैं जो गरीब तबके से हैं, जिनके माता पिता के पास उनको पढ़ाने के लिए और कोटा जैसी बड़ी जगहों पर भेज कर फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उनके छात्रों में क्षमता है। पर इस तरह की जो पहल है, इस तरह के जो प्रयास है, वो बहुत सीमित है। हजारों की संख्या छात्र छात्राएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं, वो इस होड़ में, इस दौड़ में शामिल हैं, उनको नहीं पता वो इसके काबिल हैं नहीं हैं, उनको जीवन में कौन सी राह चुननी है, वो केवल एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं, और जो कोचिंग सेंटर है उनके लिए ये कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। इसका कोई संगठित स्वरूप नहीं है, जो फीस ली जा रही है उसका लेखा जोखा भी व्यवस्थित नहीं है। आप देखिए कि जिन कोचिंग संस्थाओं के इतने बड़े बड़े विज्ञापन टेलीविजन चैनलों पर भी आते हैं, अखबारों में भी पूरे पूरे पन्ने के विज्ञापन होते हैं, तो ये जो सारा पैसा है ये आखिरकार छात्रों से ही, और उनको भी ये पता है कि सारे ही छात्र इस काबिल नहीं होंगे कि वो सफल हो जाएं, पर ज्यादा से ज्यादा छात्र उनको इसलिए भर्ती करने कि उन सबकी फीस से उनका सरोकार है, उन सबकी फीस से उनको मतलब है। तो ये जो व्यावसायिक स्वरूप केवल कोचिंग ने नहीं, पूरी शिक्षा पद्धति ने ही जो व्यावसायिक स्वरूप अपनाया है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कॉलेजों की भरमार है, वो किस जगह लग रहे हैं, कितने कमरों में लग रहे हैं, पढ़ाने वाली जो शिक्षक प्राध्यापक हैं वो किस स्तर के हैं, इसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। जो ऑडिट हो रहा है उसमें भी इस तरह का घालमेल है कि ऑडिट करने वाला व्यक्ति चंद रुपयों की खातिर उसको पास करके चला जाता है, लेकिन हजारों छात्रों के भविष्य को और उनकी जिंदगी को दांव पर लगा देता है। अभिभावकों की ऊंची उम्मीदों से भी छात्रों का तनाव बढ़ता है। शुरुआत तो वहीं से होती है। देखिए, कोचिंग संस्थाएं लुभा रही हैं, कोचिंग संस्थाएं बुला रही हैं, कोचिंग संस्थाएं पैसा बनाना चाहती हैं, कुछ कोचिंग संस्थाओं के पास सचमुच वो विशेषज्ञता भी है, उन्होंने उन शिक्षकों को पैसा देकर बुलाया है जो सचमुच विशेषज्ञ हैं, उस पर खर्चा किया है, तो वो मुफ्त में तो नहीं पढ़ा सकती, वो पैसा खर्च करके अच्छे वातावरण उपलब्ध कराएं, अच्छे शिक्षकों को वहां रखें, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर माता पिता के मन में ये लालसा है कि कैसे भी करके उनका बच्चा IIT में, IIM में, PMT में, PET में चयनित हो जाए अच्छे अंकों के साथ, बिना ये देखे कि उनके बच्चे में सचमुच में क्या प्रतिभा है। आप देखिए कि 3 Idiots जैसी और दूसरी तमाम और तारे जमीन पर जैसी फिल्म भी, मैंने डिसलेक्सिया है बच्चे को, वो देखे बगैर ही हम देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं है। 3 Idiots में बच्चा जो है उसको फोटोग्राफी का शौक है, लेकिन उसको इंजीनियर बनाने पे उसके पिता तुले हुए हैं। तो इन सारी फिल्मों का भी दरअसल संदेश वही है, और उनमें भी वही दिखाया है जो समाज में हो रहा है। बच्चे के मूल स्वभाव को, चरित्र को, भावनाओं को समझे बगैर हम जिस तरीके से एक मशीन में उसको झोंक देते हैं, वहां से शुरुआत इस होड़ की होती है और उसका अंत इस तरह की आत्महत्याओं पर होता है, जो निश्चित ही बहुत दुखद है। आंकड़े से बढ़कर जो मानसिक अवसाद है बच्चे के अंदर, जो सचमुच की प्रतिभा थी कोई चित्रकारी करने की, कोई गाना गाने की, कोई गजल गाने की, कोई नृत्य करने की, किसी खेल में आगे बढ़ने की, उस प्रतिभा को दबाकर हम केवल डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजर पैदा करने वाले सिस्टम के गुलाम हो गए हैं। और ये जो गुलामी है, माता पिता के बीच ये जो समझ की कमी है, वो इस तरह की शिक्षण संस्थाओं को धंधा करने के लिए सही वातावरण उपलब्ध कराती है।
जरीब जी, आत्महत्या की इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? इसमें सबसे पहली जरूरत तो यह है कि कोचिंग संस्थाओं पर थोड़ी सख्ती रखनी होगी। वो कितने छात्र भर्ती करें, कितनी जगह में कितने छात्र पढ़े, एक शिक्षक कितने छात्रों को पढ़ा सकता है, उनकी फीस कैसे हो, और वहां पर जो माहौल है वो केवल दबाव वाला और घड़ी की सुइयों के पीछे भागते छात्रों को तैयार करने वाला ना हो। और कुछ अखबारों की पहल पर इंडियन एक्सप्रेस ने लगातार मुहिम चलाई थी, एक हिंदी, तो उन पहलों पर ये हुआ भी है कि एक दिन भर थोड़ा वातावरण हल्का करने की। देखिए, हम जैसे विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय हमारी सर्वांगीण विकास का एक सबसे बढ़िया मॉडल है। हमारी जो पूरी गुरुकुल पद्धति थी वो भी हमें संदेश देती है कि आप वहां पर उसको खेलकूद भी सिखा रहे हैं, गाने की भी हो रही है शाम को, गाने की या चित्रकला की या दूसरी अन्य स्पर्धाएं हो रही हैं, तब दिन में जाके विज्ञान और गणित के लेसन भी दिए जा रहे हैं। तो ये एक मिला जुला कर व्यक्ति के विकास पर ध्यान देने की बात होती है। लेकिन कोचिंग संस्थाओं में हो रहा है कि आप गणित, तो देखिए जिस तरह का अभी प्रतियोगी वातावरण है और बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है और आधे आधे एक एक अंक से पोजीशन तय हो रही है, वैसे वातावरण में बहुत गंभीरता से मेहनत करके पढ़ाई करने की जरूरत है। लेकिन आप सारे लोगों को जिनकी क्षमता नहीं है उनको भी उसी तरह घड़ी से बांध देंगे तो निश्चित तौर पर उनका विकास बाधित होगा और उनके अंदर छुपा हुआ वो इंसान जिसको जिंदगी जीने का हक है, जीना चाहिए और इन सारी किताबों से परे जाकर भी उसको एक इंसान बने रहना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं हम धकेलते हैं। तो वातावरण को बेहतर बनाने की, माता पिता के भीतर समझ विकसित करने की और इस तरह के सलाहकारों की नियुक्ति की जरूरत है जो बच्चे की क्षमता को भांप कर अगर माता पिता में समझ नहीं है तो सही सलाह दे सके। आजकल सभी क्षेत्रों में करियर के बेहतर अवसर हैं। आप अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो उसमें भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है, आप अगर अच्छे लेखक हैं उसमें बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, अनुवाद का काम है, आप देखिए अच्छी भाषा को जानने वाले अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ हो, हमें लोग नहीं मिलते, अच्छी हिंदी लिखने वालों की जरूरत है, नहीं मिलते, पत्रकारिता में अच्छे लोगों की जरूरत है जिस पेशे से हम जुड़े हैं और सीधे कह सकते हैं कि जरूरत है। तो एक तरफ हम ये रोना रोते हैं कि बेरोजगारी है, प्रतिस्पर्धा है, कड़ी प्रतिस्पर्धा है, ज्यादा अंक लाने हैं, दूसरी तरफ कई सारे ऐसे माध्यम हैं जो ये तयशुदा पेशों से, तयशुदा प्रतिस्पर्धाओं से, तयशुदा कोचिंग से अलग हैं, वहां पर अच्छे अवसर हैं। लेकिन हमको ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि यहां पर भी करियर के बेहतर अवसर हैं। आप एक अच्छे फोटोग्राफर बनकर, अच्छे खिलाड़ी बनकर, अच्छे लेखक, अच्छे पत्रकार बनकर भी अपना भविष्य बना सकते हैं। यदि जी युवा जो आत्महत्या करते हैं उन्हें किस तरह समझाया जा सकता है? देखिए, मैं उन युवाओं से जैसे मैंने कहा कि करियर के बहुत सारे अवसर उनको बताए हैं, सबसे पहले तो अगर माता पिता इस ख्यालात के हैं कि वो लगातार आपको दबाव डाल रहे हैं तो उनको भी आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको अपना पालनहार, अपना नीतिकर्ता खुद बनना पड़ेगा, अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी, अपनी क्षमताओं में भरोसा करना पड़ेगा। और उनको तो मैं एक ये छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि दुनिया न जीत पाओ तो हारो न खुद को तुम, दुनिया न जीत पाओ तो हारो न खुद को तुम, थोड़ी बहुत तो जहन में नाराजगी रहे। तो मेरे ख्याल से थोड़ी नाराजगी के साथ, थोड़ी असफलता के साथ जिया जा सकता है। सवाल सिर्फ यह है कि सफलता का पैमाना कौन तय करेगा। जो बात आपको खुश करती है, जो चीजें आपको आह्लादित करती हैं, जीवन के जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं, खुशी उससे मिलनी चाहिए, ना कि किसी और के द्वारा तय किए हुए माध्यमों से आप सफलता को हासिल करें। अपनी सफलता, अपना रास्ता आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे छात्रों की आत्महत्या पर। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।